अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बीफ या मटन के कोफ्ते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये चिकन के कोफ्ते हैं तो सीरियसली ये चिकन के कोफ्ते भी नहीं हैं। आमतौर पर जो चावलों के साथ दाल बनाई जाती है ना, चने की दाल, ये उसी के कोफ्ते हैं। बस मेरे कहने पे एक बार लाजमी घर में ट्राई करिएगा, मटन और बीफ दोनों भूल जाएंगे। वैसे यार मैं ये नहीं कह रहा कि मटन और बीफ खाएं नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमारे लिए जो गज़ाएँ पैदा की हैं, जो जो चीज़ हमारे लिए बनाई है खाने वाली, सब में अल्लाह पाक ने शिफा भी रखी है और गज़ाइयत से भरपूर है। तो चिकन खाएं, बीफ खाएं, मटन खाएं, सब कुछ खाएं, लेकिन एक बार ये दाल लाजमी खाएं, क्योंकि ये भी हमारे रब ने हमारे लिए पैदा की है। आप भी कहते होंगे कि हाफिज़ बातें ही करता जा रहा है, रेसिपी नहीं बता रहा, तो चलें फिर जल्दी से इनको बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ राशिद है और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं अब्राज़ किचन। तो चलें आप जल्दी से इंट्रो देखें, विल बी बैक राइट नाउ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। अच्छा जी, चने की दाल है हमारे पास और इसे हमने तकरीबन 2 घंटे पहले पानी में भिगोकर रख दिया था। अब इसको पानी से निकालकर खुश करें और ब्लेंडर में डालकर इसको हम जल्दी से पीस लेते हैं। दानेदार आपने इसको पीसना है। तो जब तक ये दाल हमारी ब्लेंडर के अंदर पिसती है, तब तक हम एक मज़ेदार सा रायता बना लेते हैं। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये रहा हमारे पास जी किया पंजाबी वाला। अब उर्दू में इसे क्या कहते हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता, और गूगल पे हमने इसको सर्च किया है तो इंग्लिश में गूगल जो नाम हमें बता रहा है वो बॉटल गार्ड राउंड है। अब आपके इलाके में या आपके किसी कंट्री में कुछ भी इसको बोलते हैं वो मुझे नहीं पता। अच्छा, इसे हमने कद्दूकश कर लिए और कद्दूकश करने के बाद इसके अंदर पानी डालें और चूल्हे पर लगा दें इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये बॉयल हो जाए। अच्छा जी, दूसरी तरफ दाल को हमने बिल्कुल पीस लिया है दानेदार। इसके अंदर अब हम प्याज शामिल करेंगे। एक मीडियम साइज़ प्याज लें और उसका पानी खुश करके, तो वो आपने शामिल करना है इसके अंदर। चॉप्ड किया हुआ धनिया और कुछ हरी मिर्चें कट करके इसके अंदर डालेंगे हम, और उसके बाद इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। नमक जाएगा एज़ पर योर टेस्ट, और उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, वो भी आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कर लें। हल्दी जाएगी इसके अंदर, दड़ा मिर्च जाएगी, और इसके बाद खुशबू के लिए हम लोग ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे। ये सारे मसाले शामिल करने के बाद इसके अंदर 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे और फिर इसे अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिक्स करने के लिए अपने हाथों पर ग्लव्स लाजमी चढ़ा लें जिनकी स्किन सेंसिटिव है, क्योंकि इसके अंदर जो मसाले हमने यूज़ किए हैं बाद में वो मसाले जब स्किन को लगते हैं तो सारा दिन स्किन जलती रहती है। तो भाई अपने हाथों पर ग्लव्स लाजमी चढ़ा लीजिएगा, फिर ना कहिएगा कि हाफिज़ ने बताया नहीं। तो मिक्सर यहाँ पर हमारा रेडी हो गया जी। अब अगर आप चाहें तो ग्लव्स को उतार लें, और उतारने के बाद इसके छोटे छोटे मीडियम साइज़ के प्यारे प्यारे से कोफ्ते बना के एक साइड पर रूम टेम्परेचर पे 10 मिनट के लिए छोड़ दें। अच्छा जी, ठीक 10 मिनट बाद हमने ऑयल को चूल्हे पर रख लिया हुआ था, गरम कर लिया हुआ था। अब इस ऑयल के अंदर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक कोफ्ते को इसके अंदर डाल देंगे, और जब तक गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं।
तो भाई कोफ्ते हमारे यहाँ पर इस वक्त फ्राई हो रहे हैं, और यहाँ तक बस थोड़ी सी मुश्किल थी, इसके बाद अब आ गई उजाला ही उजाला है। अच्छा जी, कोफ्तों को गोल्डन कलर आ चुका है, ऑयल से अलग कर लें इनको। दूसरी साइड पर पतीली के अंदर हम लोग थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद इसके अंदर रफली हमारे पास कटा हुआ प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, अदरक के छोटे टुकड़े हैं और लहसुन के कुछ जवे हैं हमारे पास। इन सब्जियों को हमने रफली काट लिया हुआ था, तो ऑयल के अंदर शामिल करने के बाद इनको हम नरम होने तक पका लेंगे। तो जब तक ये सब्जियां नरम नहीं हो जाते, इनको 2 से 3 मिनट लगेंगे, तब तक इनको हम लोग पका लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट बाद जब ये नरम हो जाए तो इनको अलग प्लेट में निकालें और दोबारा से एक दफ़ा ब्लेंडर में डाल दें और इनका पेस्ट बना लें। अब इसी पतीली के अंदर हम लोग एक बड़ा चम्मच ऑयल का दोबारा से शामिल कर रहे हैं, और जो पेस्ट हमने रेडी किया है ब्लेंडर के अंदर वो इसके अंदर शामिल करेंगे और उसे अच्छे तरीके से इस ऑयल के अंदर भून लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ खड़े मसाले शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। दालचीनी है, छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च। इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ स्पाइसेस शामिल कर रहे हैं, जिसमें नमक है हसबे ज़रूरत हम शामिल करेंगे, लाल मिर्च पाउडर है, तड़ा मिर्च है इसके अंदर, चिली फ्लेक्स, और खुशबू के लिए हम थोड़ा सा इसके अंदर धनिया पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मसाले जब अच्छी तरीके से भुन जाएं और ऑयल अलग होने लगे, बबल्स बनने लगें, तो इस वक्त हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। और याद रखिएगा, दही को पकने के लिए लाजमी वक्त दें, ताकि दही की जो खटास होगी वो ख़त्म हो सके। तो दही को मसालों के साथ पकते हुए 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसके अंदर हम कोफ्ते शामिल कर रहे हैं, और कोफ्ते शामिल करने के बाद इनको आप चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से हिला लें, ताकि मसाले इनके अंदर भी मिक्स हो जाएं अच्छी तरह। अब यहाँ तक हमारे कोफ्ते ऑलमोस्ट 90% बिल्कुल रेडी हैं। मज़ीद इसको थोड़ी देर भून लेने के बाद इसके अंदर हम आधा ग्लास पानी शामिल करेंगे, या जितना भी आपको समझ आए, आपने इसके अंदर ग्रेवी रखनी है या शोरबा करना है, उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी शामिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आधा गिलास तकरीबन पानी शामिल कर रहे हैं, और उसके बाद मीडियम फ्लेम पर हम थोड़ी देर के लिए इनको ऐसे ही पकने देंगे। फिर जैसे ही पानी के अंदर हल्का सा बॉयल आने लगेगा, तो इसे हम कवर करके पकाएंगे कुछ देर के लिए और फिर इसको दम पर रख देंगे। अच्छा जी, कोफ्ते हमारे तकरीबन रेडी हो चुके हैं, इनको हमने दम पे रख दिया है। तो चलें, बाकी रायता जो रह गया था हमारा, तब तक हम उसे तैयार कर लेते हैं, जब तक कोफ्ते हमारे दम पे रखे हुए हैं। तो रायते के लिए हमारे पास धनिया है, पुदीने के पत्ते हैं और हरी मिर्चें हैं। तो ये सारी चीज़ें पंजाबी स्टाइल में चट्टू में डालकर आप पीस दें और इसकी चटनी बना लें। अच्छा जी, पुदीने की चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। दही के अंदर आप काली मिर्च शामिल करें, और काली मिर्च शामिल करने के बाद इसके अंदर पुदीने वाली चटनी शामिल करें जितनी आपको मुनासिब लगे, और साथ ही साथ हमारे पास पंजाबी वाला घिया है,
जिसको इंग्लिश में बॉटल गॉर्ड राउंड बोलते हैं, वो इसके अंदर जाएगा। और इसके बाद प्याज है चॉप किया हुआ और रफली इसके अंदर काटा हुआ हमारे पास टमाटर है, वो इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें तो किए वाला रायता हमारा बिल्कुल रेडी है। जब दाल के कोफ्तों को सर्व करें आप अपने फैमिली में, तो मेरी गुजारिश ये है कि ये वाला रायता लाजमी सर्व करिएगा साथ, दाल के कोफ्तों का मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो जी दूसरी तरफ कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, चलें जल्दी से इनको हमेशा की तरह खूबसूरती से सर्व करते हैं। और सर्व करने के बाद इसको या तो आप तंदूरी रोटी के साथ खाइएगा या खमीरी रोटी के साथ खाइएगा, तो मज़ा ना आए तो पैसे वापस। और खाने के बाद आपके कमेंट्स का वेट रहेगा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये दाल के कोफ्ते कैसे लगे। होप्स हो कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो सब्सक्राइब टू अबराज किचन एंड हिट द बेल आइकन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कर दें। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करिएगा। हाफिज़ राशिद को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।